जकरबर्ग ने चालू किया अपना न्यू प्रोजेक्ट मेटा। अबे तेरे इंस्टाग्राम पे जो हो रहा है पहले उसे तो देख लेता। क्या देख लेता? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है और इस टाइप के मॉडल्स इंस्टाग्राम के सारे गंदे काम ये करते हैं, भुगतना हम जैसों को पड़ता है। तुझे क्या भुगतना पड़ता है बे? ये तो बता तू है कौन? मिलिए ऐसे ही सियासी पूनम और सोफिया अंसारी की छोटी से छोटी बहन, छोटी से भी छोटी बहन से, जो आंटी है छोटा पैकेट लेकिन फिर भी है बड़ा धमाका। आज तो आप कते ही जहर लग रहे हो। पिछले कुछ महीनों से इस औरत ने अपने आईफोन के तीन तीन कैमरे लेकर शीशे के सामने इंस्टाग्राम पे जो गंद मचाया है ना, उसकी कोई हद नहीं बैठ रही। तो आ गया हूँ मैं फिर से इनका करियर जलाकर राख करने और इन्होंने जितनी भी टट्टी पिछले महीनों में की है उस टट्टी को साफ करने। कुछ जमा नहीं। तो आज हम व्यूज पाने की निंजा टेक्निक के बहाने से मेटा से बने हुए एड से निकली हुई इस इंस्टाग्राम की हगास की हवस की प्यास को प्यास लगा के थप्पड़ मार के उतारेंगे और उसके बाद क्या नाम था इस आंटी का, जसनीत कौर की गंदी गेंद फाड़ेंगे और मेरी आंखों को देख के गलत वे में मत ले जाना। तो शुरू करने से पहले जगाते अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे बात नहीं हुई थी और ऊपर वाला कुछ खास मेहरबान नहीं था मुझ पे, और तुम लोगों के डीएम में भेजे गए विचार इसके अदनंगी रील से भरे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार तुम्हारी ही सुन ली जाए। इस मैडम का तो आजकल ऐसा हिसाब हो रहा है कि गर्मी में गर्मी का एहसास और ठंडी में भी गर्मी का ही एहसास ब्लोअर चला के। शरीर पे इसके कपड़े रुकते नहीं, जैसे ब्रेड पे मक्खन नहीं रुकता, तवे पे डालते ही पिघल जाता है। इसी से मुझे एक कहावत या कहो गाना याद आया कि दिल लेके दर्द दिल दे गए। दे गए तुम जान जान कह के मेरी गांड ले गए। चलो मजाक की बातें तो चलती रहेंगी, पहले बात कर लेते हैं इस अधरंगे वस्त्र धारण की हुई लेडी पे, जिसको कैमरे के सामने आते ही अपनी बॉडी पे धूप लगाने की बहुत भयंकर आदत है, भले ही वो धूप रिंग लाइट की क्यों ना हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ठरक जगाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने थंबनेल में इसकी शक्ल का इस्तेमाल करके तुम लोगों को खींचने आ। ये फंस गया। जसनीत कौर एक ऐसी बेशरम लेडी का नाम है जो ठरकियों की जिंदगी और मुठ्ठलों को जन्नत प्रोवाइड करा के इमोशनल सपोर्ट ले जाती है। इमोशनल तो कोई होता नहीं, सब जनरेटर चला के भाग जाते हैं। You know what I mean, baby? Obviously, then no, baby. आजकल के यंगस्टरों के ट्रेंड में दो चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक तो आईफोन के कैमरे से मिरर सेल्फी लेके वीडियो बनाना और दूसरा ये। नहीं, ये तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। अबे क्या बेहूदगी है भाई ये? दीपक कलाल क्या कम था जो ये भी आ गई? देखो मेरी फेसबुक कंपनी या मार्क जकरबर्ग के प्रति कोई हेट नहीं है, लेकिन रॉबिनहुड को है। मार्क जकरबर्ग और जिस हिसाब से 21वीं सदी में ही ऐसे काम होने लग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि 22वीं 23वीं 24वीं सदी तक आते आते बहुत केड़े वाले लोड़े लगेंगे। तो पिछले हाफ में आप लोगों ने देखा कि कैसे ये मोहतरमा अपने कपड़ों का गलत इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम पे गुंडागर्दी दिखाती हैं। अबे यार कहाँ कहाँ छुपाऊं, मेरी वीडियो येलो हो जाएगी। ये किस तरीके का फैशन है भाई? मैं अपने चैनल की 6.5% महिलाओं से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोई नई तरीका का फैशन है? अगर ऐसा है तो मेरे घर पे आके मुझे उल्टा लिटा के तेल की मालिश कर देना। क्या हुआ, तुमने क्या समझा? और अगर ऐसा नहीं है तो साफ साफ बोलूंगा कि इसके मुंह पे 4 जूते मारो। अब कुछ हमारे ऐसे रंडी विजय के चौधे भी हैं जो इस परिभाषा को सच मानते हैं कि अबे लड़की चाहे कुछ भी करे, बिकनी में घूमे रात को नंगी होके दौड़े। टकले यही चीज ना उसके पिताजी के सामने भी बोल दियो। मानता हूँ आजकल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, हर जगह कॉम्पिटिशन है, लेकिन इतना भी नीचे गिरना क्यों? क्यों भाई क्यों? क्यों इतना नीचे कोई तब गिरता है जब वो राखी सावंत और दीपक कलाल की बल्ले बल्ले होते हुए देख लेता है। हमारा बल्ले बल्ले हो गया था। सुबह उठते सारे ही शाम के सोने तक इस आंटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता है, कंबल में लिपटे शीशे के सामने गई, अपना क्लोन आईफोन खोला, रिंग लाइट चलाई और वीडियो बनाई। कोई खास कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, सब ये साले एक ही थाली के चट्टे बड्डे हैं। इन सब की सब आंटियों का काम यही है लोगों के अंदर ठरक जगाना और फिर बोलना हमको कोई काम क्यों नहीं करने देता। क्या क्या कुकू हैं जेड़े फालतू बकवास करते हैं ना, गस्ते जैसे गस्तियां बकवास करते, गंद पाए कहे असि बहुत सही है ना गांडू जे लोग। इस पंजाबन आंटी का ये कहना है कि जो मेरी आईडी पे आके बकवास करते हैं उनको बकवास करने का कोई हक नहीं है और वो सब के सब एक नंबर के गांडू हैं। आंटी पहली बात तो खुद गलत होते हुए दूसरे को गांडू ठहराने की जरूरत नहीं है आपको, और दूसरी बात आप नग्न अवस्था में आके वीडियो बना के कमेंट सेक्शन में गाली खाने के लायक ही हैं, तो आपको एक गाली वाली देने की जरूरत नहीं है आपके मुंह से ये गांडवान मादरचोद बहनचोद ये सब सूट नहीं करता है, वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हमारा काम है। और अगर हम अपनी पे आ गए तो आपके साथ साथ आपके चाहने वालों को भी बक देंगे। महीने का 2 लाख मेरे अकाउंट चबा दिया करो, मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, मेरा वादा स्टाम्प पेपर पे लिखा दो। तो भाई जो भी जसनीत कौर के फैन है और जो जसनीत कौर को जानते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि जसनीत कौर का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया है।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम अपना अकाउंट क्या डिलीट करोगे आंटी जी, इंस्टाग्राम ही उड़ा देगा। इसलिए कहा जाता है गुरूर उसी चीज का करो जिस चीज में जान हो। शरीर तो हर किसी के पास होता है, बस इसी तरह भगवान की कृपा से इसका इसका और इनके जैसी जितनी भी हैं इन सबका अकाउंट उड़वा दे, कचरा साफ हो जाएगा भाई। गॉड, सही पकड़ा गया है। और झूठी एक नंबर की झूठ इतना बोलती है कि अपना अकाउंट तो मैंने खुद डिसेबल किया है, मैं तो ब्रेक पे गई हूं। मैं अपना पुराना अकाउंट 4 लाख डिसेबल किया हुआ है थोड़े दिनों से, इसमें चल बजड़ी के झूठी तो मेरी सारी की सारी मकौड़ियां निकली जिनके साथ भी मेरा संबंध रहा। बात बात पे झूठ, बात बात पे झूठ बोला करती थी। अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूँ, 1000 के बाद न जाने कितनी रही होंगी। ये काला चश्मा मैं तभी लगाता हूँ ताकि तुमको सिर्फ मैं कूल बन के दिखा सकूँ और अपने अंदर के आंसू छुपा सकूँ। इसलिए मेरी आज तक कभी परमानेंट मकौड़ी नहीं बनी, क्योंकि मैं जानता था झुमरी तलगिया मेरे साथ कोई जाना नहीं चाहेगी। क्या बात है, सारियों को इस मकौड़ी की जगह बहन के लौड़े पसंद आए इसलिए वही उठा के ले गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आंटी जी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है ना, तो कृपया करके दोबारा अपनी शक्ल इंस्टाग्राम पे मत दिखाना, और शक्ल अपने घर वालों के सामने दिखाओ ना, तो उनके सामने जो चुल्लू भर पानी रखा है ना उसी में डूब के मर जाना। और इनके प्यारे चहीते ठहर की फॉलोवरों को भी कहना चाहूंगा जो जनरेटर एक्स का जनरेटर उठा के प्यार भरे कमेंट्स करने आ जाते हैं, जो इनकी प्यारी वापसी कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, अपनी ये जो शरीर की गर्मी है ना इसको बाथरूम में जाके निकाला करो। निकालने के लिए तरह तरह की वेबसाइटें पड़ी हैं। इन जैसियों को बढ़ावा दोगे तो इनका दिमाग और ऊंचा होगा, हिम्मत और बढ़ेगी। तो यार आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर चलेगा ये खेल पेंसिल और उसके कटर का मेल। बस आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ तक आए हो तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ पसंद आया होगा, तो नए आए हो तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ के बाजू वाले घंटे के पर लगाना मत भूलना, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ट्विटर पे भी कर लेना भाई बे, और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना। आज रात 9 बजे स्टेज रोस्ट इवेंट होने वाला है जिसमें होस्ट रहेगा आपका अपना मकौड़ा सिंह भाई बे। क्या बात है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट दुश्मनों की भाई। Oh.